What's up? Welcome back to my channel Clash with Aways, जहां मैं आपको सिखाता हूँ Clash of Clans की strategies, जो आपको easily 3 stars दिला सके home base and builder base दोनों में। So guys, last video में जैसे ही मैंने आपको कहा था कि ये video एक खास पेशकश है आपके लिए कि कैसे आप मेरी सिखाई हुई strategies learn कर सकते हैं easily और उससे 3 star हासिल कर सकते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे पर सब्सक्राइब नहीं किया, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक एक्टिव चैनल है, सो आपको हर दो दिन में एक एक वीडियो मिलता रहेगा और इजी स्ट्रेटजीज है सारी, तो आप इजीली सब सीख के 3 स्टार कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब माई चैनल, सी माई वीडियोज, लाइक देम एंड कमेंट। ऑल्सो आप मेरे इंस्टाग्राम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो। सो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे लोगों ने मेरी हेल्प लेकर 3 स्टार स्ट्रेटजी लर्न की है। पहले तो एक बंदा आया था यूट्यूब पे ही, उसके स्क्रीनशॉट में आपको दिखाता हूँ कि उसने मुझे हेल्प मांगी थी, तो मैंने उससे बोला कि इंस्टाग्राम पे आ जाओ। फिर इंस्टाग्राम पे उसे मैंने अपना क्लैन टैग दिया, हेल्प दी थोड़ी, स्ट्रेटजीज के बारे में समझाया और फिर अब वो मेरे क्लैन में और वो 3 स्टार अटैक कर रहा है सारे। अनफॉर्चुनेटली वो अटैक रिकॉर्ड नहीं हो पाए और अब वो ऑफलाइन हो गया, तो वो अटैक मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन एक दूसरा भी है मेरा क्लैन मेट प्रिंस करके, वो हर बार 1 स्टार ही कर पाता था और उसे एयर अटैक करने का बहुत शौक है, लेकिन वो बेचारा 3 स्टार नहीं कर पाता था, बेचारा बहुत दुखी था। तो उसने मुझे कहा कि आपको स्ट्रेटजीज बताओ। मैंने उसको कहा कि मेरे चैनल पे एक पड़ी है एयर स्ट्रेटजी, वो देख लो। तो उसने वो स्ट्रेटजी लर्न की और ट्राई की है। सो गाइस, थोड़ी ही देर में मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताता हूँ। सो लेट्स गो फॉर द वीडियो गाइस। इजीली आप स्ट्रेटजीज लर्न कर सकते हैं। देखिए ये स्ट्रेटजी, 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स, 9 ड्रैगन्स, 4 बलून्स और बाकी सारे लाइटनिंग स्पेल्स। सीसी में स्टोन स्लैमर लिया है और बलून्स। देखिए पहले तो सारे 3-3 डाल के एयर डिफेंसिस को डाउन करना है और साइड बिल्डिंग्स को भी। फिर इलेक्ट्रो से फनल क्रिएट कर रहा है, जैसे ही फनल हो जाए क्रिएट, डाल दिए उसने सारे ड्रैगन्स फिर बलून। देखिए फ्रेंडली चैलेंजेस से उसने स्टार्ट किया था, पहले उसे सक्सेस नहीं मिली, लेकिन फिर अब उसे हर अटैक में सक्सेस मिल रही है। 2 अटैक्स में बताऊंगा आपको उसके, बहुत खुश हो रहा है वो 3 स्टार अटैक करते हुए। ये स्टोन स्लैमर डिफेंस को डाउन कर रहा है और अब स्टोन स्लैमर में से निकले बलून। ये एयर स्ट्रेटजी के लिए ये बेस बहुत हार्ड है, तो अब देखिए वो 3 स्टार कर पाएगा या नहीं। मैक्सिमम ड्रैगन उसके देख सकते हैं आप सेंटर में, कॉर्नर पे बार्बेजन किंग, आर्चर क्वीन और 2 ड्रैगन्स, और तीसरी कॉर्नर पे है 1 ड्रैगन। वार्डन एबिलिटी यूज करके ट्रूप्स को प्रोटेक्ट कर लिया। वे टू गो प्रिंस, 3 स्टार करो। क्या प्रिंस 3 स्टार कर पाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए स्ट्रेटजीज लर्न करने के लिए आपको वीडियो 2-3 बार देखना पड़ेगा, कौन सी चीज़ कहाँ डालनी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो सब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारे वीडियोस में। और फिर आपको फ्रेंडली चैलेंजेस लेकर, सेम सीसी लेकर उससे प्रैक्टिस करना है, और मेन भी कि आपको अपने ट्रूप्स अपग्रेड करने हैं सेम लेवल पे, जो मैक्स हो
कोई टीएच के लिए, तभी आप 3 स्टार कर पाएंगे इजीली। और ये ऑल द डिफेंसेस आर डाउन, लास्ट कैनन बचा है, सो प्रिंस का अटैक यहाँ पे हो जाएगा 3 स्टार। वेल डन प्रिंस, लेट्स सी अनदर अटैक बाय प्रिंस। ये प्रिंस का और एक अटैक देखिए, पहले उसने सारे एयर डिफेंसेस डाउन करने के लिए गया है और साथ में ही एयर स्वीपर भी डाउन हो जाएगा। एक एयर स्वीपर वो नहीं डाउन कर पाया, सेकंड उसने कर दिया है। तो अब देखिए, जैसे मैंने बोला था कि एयर स्वीपर के ऑपोजिट से अटैक करना है, तो वैसे ही वो एयर स्वीपर के ऑपोजिट से अटैक कर रहा है। वेल्डन प्रिंस, आपको याद रहा कि मैंने कहा था कि एयर स्वीपर के पीछे से अटैक करना है। अब जैसे ही फनल क्रिएट हो गया, उसने डाल दिए सारे ड्रैगन और बलून्स, तो सब जाएंगे सीधा ईगल आर्टिलरी की तरफ। स्टोन स्लैमर भी डाल दिया है, तो ईगल आर्टिलरी हो चुकी है डाउन। और देखिए, दोनों इन्फर्नोस मल्टी है, क्या ये अटैक 3 स्टार होगा प्रिंस से? चलिए देखते हैं। वार्डन एबिलिटी यूज करके टूट को प्रोटेक्ट कर लिया और स्टोन स्लैमर हो चुका है डाउन, तो उसमें से निकले हैं बलून्स। बलून्स ने डाउन कर दिया है मल्टी इन्फर्नो को और विजार्ड टावर को भी। और जैसे कि मैंने कहा था कि आर्चर क्वीन और बार्बिजन किंग को लास्ट में डालना है, तो देखिए अभी उसने डाल दिए। तो आपको सारे टिप्स मेरे याद रखने हैं और अच्छे से यूज करेंगे तो आपको इजीली 3 स्टार मिल जाएगा कोई भी बेस पे। नाइस गोइंग प्रिंस, सारे टिप्स आपने याद रखे हैं और सारे अटैक्स आप इजीली 3 स्टार कर पाएंगे अब से। तो अब एयर डिफेंसिस के लिए बचा है एक एक्सबो और वार्डन बचा है। वार्डन हो चुका है डाउन, एक्सबो भी डाउन, तो ये अटैक भी प्रिंस का हो जाएगा 3 स्टार। और ये लास्ट में निकले हैं बलून्स, लेकिन अब क्या फायदा, वो भी ड्रैगन्स ने डाउन कर दिए और अब बची है सिर्फ सीसी। सो प्रिंस का और एक अटैक यहाँ पे 3 स्टार हो चुका है। सो गाइस, इसी तरह से आप मेरे वीडियोस को देखिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, टिप्स को फॉलो कीजिए, तो आपको 3 स्टार करने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।